हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो का डेवलपर ऑप्शन के बारे में। कल की हमने वीडियो में जाना था डेवलपर ऑप्शन आप लोग जो है किस टाइप से इनेबल करें, किस टाइप से ऑन करेंगे। उसमें से बहुत से लोग कमेंट्स आई थी कि भाई डेवलपर ऑप्शन तो इनेबल करते हमें आ जाता है, बट इसके सेटिंग्स के बारे में हमें एक्सप्लेन कराओ। तो गाइस, आज हम आप लोग कुछ सेटिंग्स आप लोग को एक्सप्लेन कराएंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा वो कुछ बाउंस के बटन रहता है, लेआउट जो रहता है उससे रिलेटेड रहता है। तो किस टाइप की सेटिंग रहती है, किस टाइप से आप लोग इसका लाभ उठा पाएंगे, सब हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रेड के बटन दबा के हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड बगल में बेल का आइकन को दबाना ना भूले, एंड वीडियो पर लाइक करना भूले और शेयर करना भी ना भूले। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग को अपनी फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेना। एडिशनल सेटिंग की जाने के बाद आप लोग को डेवलपर ऑप्शन यहाँ से इनेबल कर देना है, इनेबल बोले तो ओपन कर देना है सॉरी। और यहाँ पे हम कोड इंटर कर देते हैं और इसे हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं। जैसे हम इसे ऑन कर दें, यहाँ पे हमने इसे इनेबल कर दिया है। ऊपर में आप लोग को येलो कलर का देख सकते हैं कि डेवलपर मोड ओनली ऑन है, ओनली फॉर डेवलपर्स। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने इसे ऑन कर दिया है। और जो हमारा मेन टॉपिक था वो था थोड़ा सा नीचे आना है गाइस। यहाँ पे आप लोग को दिखेगा सो लेआउट बाउंड सा, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, इस पर आप लोग को इनेबल कर देना। जैसे आप लोग इसे इनेबल करेंगे, आप लोग के फ़ोन में कुछ इस टाइप का सेटअप देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो यार ये क्या है, तो गाइस ये आप लोग को पूरा लेआउट रह जाता है कि हमारा फ़ोन में क्या क्या जगह चीज़ है, क्या 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 सेटअप रहता है और किस किस एंगल में हमारी चीज़ें रखी गई है, सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हम बैक करते हैं यहाँ पे, तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे फ़ोन के एप्लीकेशन वगैरह आ चुकी है और क्या क्या सेटअप यहाँ पे बनाया गया, ये सारा का सारा यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है अपने आप में ही। और इस टाइप से आप लोग अपने फ़ोन को यूज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो यूज़ कर सकते, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, कैसे ऐसा लगता है टेक्निकल टाइप का लगता है, तो आप लोग यूज़ भी इसे कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसे डिसेबल करना चाहे, फिर से आप लोग को एडिशनल सेटिंग में जाके डेवलपर ऑप्शन को ऑफ़ कर देना है, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग को जो मैं लेआउट की सेटिंग बताया था, आज मैं आप लोग को लेआउट की सेटिंग बताया जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी अपने आप में ही। मैं आप लोग को इसका नोटिफिकेशन पैनल दिखाना चाहूँगा अगर चेंज होता है तो। जी हाँ, बिल्कुल चेंज होता है नोटिफिकेशन पैनल, नोटिफिकेशन पैनल भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है गाइस। तो इस टाइप का जो रहता है आप लोग का सेटअप रहता है, और हो सके तो आगे भी चल के मैं आप लोग को और भी इंटरेस्टिंग सेटिंग वगैरह बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो जो कमेंट करना बोले उस वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए जय माता दी।